अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम। हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे वायरस, यूनिक पार्टिकल्स और साथ में हम बायनोमियल नॉर्मल क्रिएचर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखते हैं आपकी बुक में इन टॉपिक्स के बारे में क्या लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक वायरस एज अ यूनिक पार्टिकल और वायरसेज यूनिक पार्टिकल्स का टॉपिक 50 पेज नंबर पे मौजूद है। वायरसेज आर यूनिक पार्टिकल्स, they are not considered as living organisms and are not included in the classification system. They have some living characteristics, for example they reproduce, they contain RNA or DNA as hereditary material which is enclosed in a protein coat. They also have non-living characters, for example they are not made of cells and do not respire or excrete. They live as a parasite in all types of organism and cause disease in them. They use the metabolism of the cells in which they live. Outside the living host cells, they are inactive. Viruses can be crystallized, and this is a property of non-living materials. In crystal form, they can be stored for an indefinite period of time without any loss of reproductive ability. When the crystallized viruses are placed under favorable condition, they again start reproducing. Okay, यहाँ इस पूरे पैराग्राफ में वायरसेस के बारे में लिखा है और कहा है कि वायरस एक बहुत यूनिक पार्टिकल है और इन इसको आप लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसिडर नहीं कर सकते, इसलिए ये जो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं मौजूद नहीं है। ठीक है, इसमें जो है वायरसेस में कुछ जो है करेक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स वाले भी हैं, जैसे कि ये रिप्रोड्यूस करता है, दूसरे और मजीद वायरस बनाता है। उसके अलावा ये इसके अंदर आरएनए डीएनए जो है जेनेटिक मटीरियल है, हेरिडिटरी मटीरियल है, वो भी मौजूद है जो कि एक प्रोटीन कवर के अंदर मौजूद होता है। लेकिन साथ साथ इसमें नॉन लिविंग करेक्टर्स भी मौजूद हैं, जैसे कि इसके सेल नहीं होते खास मखसूस। उसके अलावा ये जो है सांस नहीं ले सकता, रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं कर सकता और एक्सक्रीशन का प्रोसेस नहीं कर सकता। ठीक है, डाइजेशन और जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है वो नहीं होता। इसके अलावा ये है पैरासाइट्स जो है उन ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ये रहता है। ठीक है, एज अ पैरासाइट, यानी कि उसको नुकसान पहुंचाता है और उनके उनके अंदर डिजीज कॉज करता है और उनका मेटाबॉलिज्म का जो जितना भी प्रोसेस होता है वो इस्तेमाल करता है। ठीक है, दूसरों का इस्तेमाल करता है और जिसके अंदर ये रह रहा होता है उसका सारा सिस्टम ये खुद इस्तेमाल करता है। उसके अलावा जो है ये अगर होस्ट सेल जहाँ जिसके ऊपर इसने अटैक किया है या जिसके ऊपर ये रह रहा है ऑर्गेनिज्म के ऊपर, उसको उसके बाहर ये बिल्कुल इनएक्टिव होता है, कोई एक्टिविटी नहीं करता। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये क्रिस्टलाइज भी हो जाता है। ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है जो कि एक नॉन लिविंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, मतलब कि एक सख्त सा स्ट्रक्चर बन जाता है, डेड स्ट्रक्चर बन जाता है और ये कितने अरसे तक इस तरह डेड स्ट्रक्चर में रह सकता है विदाउट मतलब अपनी कोई जो है वो प्रॉपर्टी को लूज किए बगैर, इनके अगर रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी कोई मतलब अपनी कोई भी सलाहियत को जो है ये कमजोर किए बगैर, खत्म किए बगैर कितना सदियों तक ये जो है रह सकता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में। तो और जब दोबारा इसको किसी भी वक्त जब इसको सही कंडीशन मिलती है कि इसको लगता है कि अब जो है ये इस कंडीशन में रिप्रोड्यूस कर सकता है और वायरस बना सकता है, तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म से दोबारा जो है वो रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो ये एक बस अल्लाह की एक तख्लीक है ऐसी कि देखें अब आजकल दुनिया में भी यही वायरस है। वायरस ऐसी चीज़ है कि इसके बारे में जितना भी हम तसव्वुर करें तो हैरान ही हो जाते। तो ये आपका टॉपिक था 50 पेज नंबर पे। नेक्स्ट आपका टॉपिक है जी बाइनोमियल नॉर्मल क्रिएचर का। तो कैरलस लिनियस ने जो है ये इंट्रोड्यूस किया था 1707 टू 1778 में और इसको इस सिस्टम को उसने बाइनोमियल नॉर्मल क्रिएचर का नाम दिया था। तो पहले रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी टाइप ऑफ एनिमल एंड प्लांट शुड हैव अ पर्टिकुलर नेम कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स। द फर्स्ट वर्ड इज द नेम ऑफ जीनस वाइल द सेकेंड वर्ड इज द नेम ऑफ स्पीशी। द जेनेरिक नेम बिगिन्स विद कैपिटल
letter and a specific name begins with small letter. When a scientific name is typed, it is italicized. When it is handwritten, the two parts are separately underlined. Linnaeus listed about 4,000 different species of animals and plants and gave a concise description to each of them. यहाँ ये लिखा है कि इस सिस्टम के मुताबिक आप किसी भी प्लांट या एनिमल को अगर कोई मखसूस नाम देंगे तो वो दो हिस्सों पर मुश्तमल होगा, यानी कि उसमें दो वर्ड इस्तेमाल होंगे. ठीक है, एक पहला नाम, एक दूसरा नाम. ठीक है, तो पहला नाम जो होगा वो उसके जीनस का होगा, यानी कि वो कौन से जीनस से बिलोंग करता है. ठीक है, और जो दूसरा उसका नाम होगा वो बिल्कुल स्पेसिफिक नेम होगा. ठीक है, वो उसके अलावा और किसी चीज़ का नहीं होगा, मतलब सिर्फ उस वो ही स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म होगा या चीज़ होगी. तो जेनेरिक नेम जो है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, जबकि जो स्पेसिफिक नेम है वो स्मॉल लेटर से भी लिखा जा सकता है. दूसरी बात है कि अगर आप टाइप करेंगे तो वो एक इटैलिसाइज्ड एक जो है वो आपका मेथड है, वहां से उसको आप जब लिखेंगे वर्ड को कंप्यूटर में तो उस फॉन्ट जो है वो कर देंगे, इटैलिसाइज्ड कर देंगे. ठीक है, तो अगर हैंड से लिखेंगे तो लाइन अंडरलाइन कर देंगे उस नाम को. हमारे तो बाकायदा मार्क्स कटते थे अगर हम लोगों ने साइंटिफिक नेम को अंडरलाइन ना किया हो तो. आप जब आगे आप जाएंगे और अगर साइंटिफिक नाम लिखेंगे उसको अंडरलाइन ना किया तो उसके आपके मार्क्स कटेंगे. उसके अलावा तकरीबन लिनियस ने 4,000 के करीब जो थे मुख्तलिफ एनिमल्स और प्लांट को जो है एक ख़ास किस्म की मखसूस तफसील के साथ तो उनको जो था बयान किया था और लिस्ट बनाई थी. ठीक है, और उनकी डिस्क्रिप्शन दी थी. ये आपका पेज नंबर 50 पे था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर का टॉपिक. ये मैंने निशान लगाए, ये आंसर आपने लिखना है, तो यहाँ से आपने शुरू करना है. नेक्स्ट आपका है जी इम्पॉर्टेंस ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इसकी क्या अहमियत है. तो इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर अ सिंगल साइंटिफिक नेम इज यूज इन द होल वर्ल्ड. इट सिंप्लीफाइज द स्टडी ऑफ स्पीशी. द जेनेरिक नेम इज कॉमन टू ऑल द स्पीशीज ऑफ द पर्टिकुलर जीनस बिकॉज दे ऑल शो कॉमन फीचर्स ऑफ रिजेम्बलेंस विद वन अनदर. वाइल द स्पेसिफिक नेम इज बेस्ड ऑन सर्टन डेफिनेट एंड स्पेसिफिक करेक्टर्स विच डिफ्रेंशिएट द इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर जीनस फ्रॉम वन अनदर. यहाँ पे इसकी अहमियत के बारे में लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंस के बारे में लिखा है कि ये पूरी दुनिया में ये सिस्टम यूज होता है. ठीक है, और इसने स्पीशी की स्टडी को बहुत आसान कर दिया है. और जेनेरिक नेम जो है वो सारे स्पीशी के लिए कॉमन होता है जिनके आपस में कुछ ना कुछ जो है फीचर्स या कुछ रिजेम्बलेंस होती है, कुछ चीज़ें मिलती जुलती हों तो वो सारी एक जेनरा में डाल दी जाते हैं ऑर्गेनिज्म. और स्पेसिफिक नेम ये होता है कि उस ऑर्गेनिज्म का अगर कोई स्पेसिफिक अलग करेक्टर है तो उसको फिर स्पेसिफिक अलग नाम दे दिया जाता है. तो इससे ये होता है कि आपको नाम देने में और जीनस को ढूंढने में बहुत आसानी होती है. ठीक है, और इसी तरह डिफरेंशिएट द इंडिविजुअल पार्टिकुलर जीनस फ्रॉम वन अनदर, और आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म्स को एक दूसरे के साथ कि ये दूसरे से कैसे मुख्तलिफ है और किन बेसिस पे ये डिफरेंस है. फॉर एग्जाम्पल द पीपल ट्री, बनियान ट्री एंड रबर ट्री आर कॉमन जेनेरिक नेम फाइकस. और सिंस दीज आर डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सेम जीनस, फाइकस पोजेस सर्टेन पर्टिकुलर स्पेसिफिक करेक्टर्स, दे आर गिवन डिफरेंट स्पेसिफिक नेम, नेमली फाइकस रिलीजियोसा, पीपल फाइकस बेंगलेंसिस बनियान का ट्री एंड फाइकस एलास्टिका रबर का ट्री. तो ये रिस्पेक्टिवली देखें आप, फाइकस में ये एक जेनरा है और कैपिटल लेटर से इसमें सारे ये शामिल हैं. ठीक है, जितने भी ट्री हैं, लेकिन जब स्पेसिफिक नाम आता है तो कोई स्पेसिफिक टाइप है, जैसे ये रबर है तो इसमें इससे रबर प्रोड्यूस होती है, इसकी अलग प्रॉपर्टी है तो इसको अलग नाम दिया है. इसी तरह बाकी जो ट्री हैं उनको भी अलग नाम दिया है, लेकिन जीनस इनका सेम है. इनमें कुछ इनमें बहुत सी क्वालिटी सेम भी है, तो जो डिफरेंस है तो इस वजह से उनको फिर डिफरेंट नाम दे दिया गया, स्पेसिफिक नाम दे दिया. सिमिलरली इन द एनिमल किंगडम, अगर हम एनिमल किंगडम में देखें तो थ्री कार्निवोरस जो मीट ईटर एनिमल्स हैं जैसे कि कैट, लाइन और टाइगर, तो इनको जो है वो एक जेनेरिक नेम दिया हुआ, दैट इज फीलस.
तो आप देखें कि डिफरेंट स्पेसिफिक नेम, फॉर एग्जांपल फीलिस डोमेस्टिका, कैट को फीलिस डोमेस्टिका का नाम दिया, फीलिस लियो, फीलिस टिग्रस रिस्पेक्टिवली। इसी तरह ये चीथा, टाइगर और बिल्ली, ये बिल्ली और चीता जो कहते हैं ना, बिल्ली शेर की खालत, तो वो शायद इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनका एक ही जीनस है, ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, सिर्फ ये है कि नाम फिर आगे जो स्पेसिफिक नेम होता है वो डिफरेंट है। तो इसी तरह आपके पास कैनिस फैमिलियस है, जिसमें आपके पास डॉग हैं, और आपने देखा होगा ल्यूपस भेड़ी, वोल्फ जो है भेड़िया जिसको बोलते हैं, आपने देखा होगा कि डॉग और भेड़िया बहुत आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ करेक्टर जो है वो डिफरेंट है, तो उसकी बेस पे इनको एज अ होल डिफरेंट नाम दे दिया है, लेकिन ये जीनस इनका एक ही है, दैट इज कैनिस। उसके अलावा जो है एडवांटेजेस आ जाते हैं जी, सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ बायनोमियल नोमल क्रिएचर, तो ये है जी, दीज नेम आर मोर डेफिनेट एंड प्रिसाइज देन ऑर्डनरी नेम, ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं बाकी आम नामों से। उसके अलावा जो है ये बींग जर्नली इन लैटिन, दे हैव यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस बाय पीपल ऑफ ऑल लैंग्वेज, ये लैतिनी जबान में है, तो सारी दुनिया में हर जगह इसको, इस सिस्टम को कबूल किया गया है। उसके अलावा जो है दे इंडिकेट द जेनरिक एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल एनिमल एंड प्लांट्स, और ये जो है आपको जेनरिक और एवोल्यूशनरी मतलब कि उनकी बॉडी में वक्त के साथ क्या क्या चेंज आया है और ये कौन से जीनस से बिलोंग करते हैं, इनका रिलेशन इसको इसके इसको भी इंडिकेट करता है। ठीक है, ये भी बताता है, इससे आपको, इस नॉर्मल क्रिएचर से आपको ऑर्गेनिजम्स के सारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का भी पता चल जाता है कि ये कौन कौन से जो है, कौन से जीनस में कौन सा ऑर्गेनिज्म है और वक्त के साथ जो है ये इसमें क्या चेंजिंग है, इसमें हमारे पास कितनी वराइटी है। ठीक है, तो ये सारे इसकी इम्पॉर्टेंस है बायनोमियल नोमेनक्लेचर की। यहाँ आपको एक टेबल दिया हुआ दैट जिसमें आपको पेज नंबर 51 पे लोकल नेम, इंग्लिश नेम और जोलॉजिकल नेम बताए हुए, जैसे कि मक्खी है हाउस फ्लाई, तो मॉस्का डोमेस्टिका इसका नाम है जोलॉजिकल, इस तरह जराफा है जिराफ और जिराफा, कैमलियो पैडोलिस, उसके अलावा आपके पास खरपुश्त है जो कि कांटों वाला एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें कांटे होते हैं उसकी बैक साइड पे, तो उसको पॉडकोपाइन, हाइस्टिक्स लिकोरा उसका जूलॉजिकल नेम है, बिल्ली है, कैट है जिसको आप फीलिस डोमेस्टिकस का नाम देते हैं जूलॉजी में, जूलॉजिकल नेम उसका फीलिस डोमेस्टिकस है, तितली है, बटरफ्लाई है तो इसका आपका नाम है पायरस रेपाई, और कैचुआ जो अर्थवाम है जो आजकल भी आपके मौजूद होते हैं ये जमीन में मट्टी में, तो इसका आपका नाम है फेरिटीमा पोस्टोमा पोस्टोमा। तो ये कुछ नाम कॉमन और इंग्लिश नाम थे। आपकी असाइनमेंट है ये, आपने जो है वायरस का स्टेटस, तो आपने वायरस एज अ यूनिक पार्टिकल वाला टॉपिक लिख देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन बायनोमियल नोमेनक्लेचर, तो इसमें आपके और इसके एडवांटेजेस, तो वो मैंने आपको निशान लगाए, जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे वो। तो ये आपका आज का लेसन था, अपने टीचर को इजाजत दें, फी अमान अल्लाह, थैंक यू।